सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। इससे रूपा जी बात करें अगर बिनौला कल की, तो देख रहे हैं कि बिनौला कल का फरवरी वायदा 3099 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और 3073 का लो लगा चुका है। आधे फीसदी की गिरावट भी बंदी नजर आ रही है। रूपा जी देख रहे हैं कि अब 3100 के बाद बिनौला कल 3000 के लेवल्स पर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, आपको क्या लगता है ये जो कीमतें हैं किस ओर इशारा कर रही हैं, कि यहाँ से बिनौला कल में जो गिरावट है वो और गहराएगी या फिर इन स्तर से खरीदारी करें और तेजी आएगी? देखिए अभी फिलहाल जो है ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली जरूर हावी होते हुए हम देख रहे हैं और 3100 के नीचे टूट जाना थोड़ा सा टेक्निकली भी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से अभी बाजार थोड़ा सा और घिरा सकता है डाउनसाइड की तरफ, लेकिन बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सपोर्ट भी यहाँ पर 3060 के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 3060 से 3080 के आसपास। वही फेब्रुअरी वायदा एक्सपायरी के बेहद करीब है, तो उसके अलावा हम अगर बात करें मार्च वायदा की, तो मार्च वायदा 3080 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। अगर वहां से गिरावट बढ़ती है तो फिर हम नीचे में हो सकता है 2980 तक भी इसको जाते हुए दिखाई दे, लेकिन फिलहाल 3080 के सपोर्ट के साथ बाजारों में एक बार वापस से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है, जो कि इसको ऊपर ले जा सकता है। देखिए लगातार तेजी के बाद इस पे करेक्शन ड्यू था, वो करेक्शन अब घिराता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से 50 से 100 रुपए मैक्सिमम और डाउनसाइड हो सकता है कि देखने को मिले, वहां से वापस से बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन आज इंट्राडे में थोड़ा सा प्रेशर बना रह सकता है। जी फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।